हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गाइस आज मैं आपको देने वाली हूँ वाइट चनों की रेसिपी। चल पड़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस मैंने रात को भिगो दिए थे वाइट चने। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन एंड प्याज। उसके बाद गाइस मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। फिर गाइस मैं इसका लगा दूँगी ढक्कन, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। उसके बाद गाइस मैं इसके वेट्स भी लगा दूँगी। फिर गाइस तकरीबन इसको 15 मिनट तक पकाया है मैंने। फिर इसमें घी भी ऐड करेंगे इसकी भुनाई के लिए। फिर गाइस मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून हल्दी और फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च। गाइस इसको उसके बाद गाइस हम करेंगे इसको मिक्स। माशाल्लाह गाइस हमारी बनकर रेडी हो चुकी है रेसिपी। फिर गाइस मैंने इसको किया है कोलियों में सर्व। उसके बाद गाइस हम आपको सिखाएंगे समोसा पराठा बनाना। गाइस हमने पहले इसको हल्का हल्का सा बेल लिया है। फिर इसके ऊपर लगाएंगे हम घी। फिर गाइस हम इसके साइड पे लगाएंगे छोटा सा कट और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। फिर गाइस हम इसको समोसे की शेप देते जाएंगे, ठीक है, पर इसकी साइड बदली जाएंगे और इसको समोसे की शेप दे जाएंगे। ये समोसा पराठा नहीं है, इसका नाम ही समोसा पराठा है क्योंकि इसका जो जो पेड़ा होता है वह समोसा पराठा जैसा होता है। फिर गाइस हमने तो इसको हाथों से किया थोड़ा सा बड़ा और इसका बना दिया पेड़ा, आटे वाला पेड़ा। फिर गाइस हमने इसको लगाया थोड़ा सा सूखा आटा। फिर इसको हाथों से किया थोड़ा सा बड़ा और फिर हमने डाल दिया इसको बेलने पर और फिर इसको हाथों के साथ थोड़ा सा और बड़ा किया और फिर इसको अच्छे वाले थप्पड़ मार के बड़ा किया। फिर गाइस हम इसको डाल देंगे तवे पर, तो इसको हम पकाएंगे जब तक इसकी साइड जोन सी है वो पक नहीं जाती। गाइस हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब ये नीचे वाली साइड पकेगी तो फिर ही हम इसकी दूसरी साइड भी चेंज करेंगे। जी गाइस दूसरी साइड भी पक चुकी है, हमने इसको चेंज कर दिया है। अब गाइस हम लगाएंगे इसके ऊपर घी, घी या ऑयल आप जो मर्ज़ी लगा सकते हैं। ये देखें मैंने इसके ऊपर लगा दिया है घी। अब इसको हम करें इसकी फिर से साइड बदला देंगे और चिमटे और अपने हैंड की मदद से इसको घुमाई जाएंगे जब तक इसको चक्कर नहीं आ जाते। मजाक कर रही हूँ। गाइस हमारा रेडी हो चुका है पराठा। वाओ गाइस कितना नाइस लग रहा है। अगर गाइस आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ओके गाइस यहीं पे करते हैं अपने वीडियो को एंड। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।